हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली बहुत ही टेस्टी यम्मी स्पाइसी ऑनियन बिटर गार्ड फ्राई। ये बहुत ही जल्दी बनता है बहुत कम मसालों के साथ। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। करेला आधा किलो, एक लहसुन छिला हुआ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दो प्याज कटे हुए, हल्दी, नमक, चना दाल और उड़द दाल एक एक स्पून है। उसके बाद ये है तेल, इमली, मिर्च पाउडर, हींग, धनिया पाउडर और जीरा। सबसे पहले मैंने करेले को बीच में से चीरा लगा के उसके दो टुकड़े कर लिए हैं। अगर आपका करेला ज़्यादा बड़ा साइज़ में है तो आप उसके तीन पीसेस कर लेना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, हाफ स्पून नमक डाल के इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ। डाल के मिक्स करके मैं इसे रख दूँगी आधे घंटे के लिए। ऐसा करने से इसका जो कड़वापन है वो निकल जाएगा। आप चाहो तो इसे ज़्यादा देर भी रख सकते हो। आप इसे जितनी ज़्यादा देर रखोगे उसका कड़वापन निकल जाएगा। अब मैंने रखा है एक पैन, पैन में डाला है एक स्पून ऑयल। ऑयल जैसे गर्म हो गया अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक स्पून चना दाल और एक स्पून उड़द दाल। डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और जैसे ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। ये करेला और प्याज के साथ सब्ज़ी बन रहा है, मतलब ऑनियन बिटर गार्ड फ्राई, तो इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। मैंने दो प्याज को, मतलब थोड़े बड़े साइज़ के दो प्याज हैं, उनको मैंने लंबा लंबा काट लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा भून रही हूँ। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, बस इसका कच्चापन निकलना चाहिए, उतनी देर हमें इसे भुनना है। प्याज अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसे ठंडा करके ग्राइंड करूँगी। प्याज ठंडा हो गया, अब मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। डाल के अब मैं इसमें डालूँगी बाकी के मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, जिसे हमने छील के रख लिया है। उसके बाद अदरक को छोटा छोटा काट के डालूँगी। डाल के अब मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले। सबसे पहले मैंने डाला है मिर्च पाउडर, हींग, धनिया पाउडर अराउंड एक स्पून है, एक स्पून जीरा। डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और हल्दी। नमक हमने पहले भी डाला था तो आप थोड़ा देख के डालिए। डाल के अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। अब मैं इसे ग्राइंड करके इसमें अब मैं डाल रही हूँ इमली। इमली डाल के मैंने एक बार और ग्राइंड कर लिया। अब मैं इसको रख रही हूँ साइड में। साइड में रख के अब हम देखते करेले। करेले आधा घंटा हो गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भी छूट गया। अब इसको हम लोग हाथ से अच्छे से दबा के जितना हो सकता उतना पानी निकाल देंगे। ऐसा करने से इसका जो कड़वापन है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। अगर हम लोग पानी नहीं निचोड़ेंगे तो भी सब्ज़ी बना सकते हैं, बट वो थोड़ा कड़वा रहेगा और जनरली बच्चे उसे खाना पसंद नहीं करते। अब मैंने रखा है सेम वही पैन जिसमें हमने प्याज भुना था, उसमें मैंने डाला है अराउंड टू स्पून ऑयल। ऑयल डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ करेले, जिसको हमने अभी थोड़ी देर के पहले पानी निचोड़ के निकाल लिया था। अब मैं इनको कर रही हूँ आधा फ्राई, मतलब आधा हमें इसे इसमें भून लेना है। ऐसा करने से इसका कड़वापन तो जाएगा ही, सब्जी भूनते समय अच्छे से भून जाएगा और जल्दी बनेगा। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ करके, करेला थोड़ा ठंडा हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज वाला मसाला जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था। बीच में हमें इस तरीके से फील करना है। बाकी सारे करेले में भी मैं सेम इसी तरीके से मसाला भर रही हूँ। करेला पहले से थोड़ा भुन चुका है, प्याज भी भुना हुआ है, तो ऐसा करने से सब्ज़ी बहुत जल्दी बनता है। सारे करेले में मैंने मसाला भर लिया है। अब मैं सेम उसी कढ़ाई में जिसमें हमने करेले को शेलो फ्राई किया था उसी में मैं सारे करेले डाल के अब मैंने अच्छे से पकाऊँगी। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा मसाला बच गया था, उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। मेरा मसाला थोड़ा कम बच गया, हो सकता है आप लोग का मसाला थोड़ा ज़्यादा बचे या बिल्कुल भी ना बचे। नहीं भी बचा तो कोई इशू नहीं है, अगर बच गया तो आप डाल के इसको अच्छे से भून लेना। अब जार में थोड़ा सा मसाला लगा था तो उसमें मैंने अराउंड हाफ कटोरी पानी डाल दिया है। डाल के मिक्स करके उसको भी मैंने उसमें डाल दिया। अब अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के मैं पकाऊँगी। करेले पहले से भुने हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक। नमक आप चेक करके डालना, क्योंकि नमक हम लोग दो बार पहले भी डाल चुके हैं। अब मैं इसको मिक्स करके ढक के रख दे रही हूँ तब तक जब तक कि इसका पूरा मसाला सूख ना जाए। बीच बीच में मैंने चलाया भी है। अब मैं ढक्कन निकाल के देख रही हूँ, करेला हमारा बन गया। ये सब्ज़ी बहुत ही जल्दी भी बनता है, बहुत टेस्टी है। इसे आप बना के दो तीन दिन तक रख भी सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। ये बच्चों के लंच बॉक्स, रोटी, पराठा सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने इसके ऊपर डाला है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती डाल के मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व। आप भी ये टेस्टी ऑनियन बिटर गार्ड फ्राई या करेला फ्राई बनाइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।